गुड मॉर्निंग, मैं आपका दोस्त रवि कुमार स्वागत करता हूँ हमारे भरेल जसवा के चैनल में। मेरे साथ बने रहिए, आज जानेंगे कुछ ताजा खबरों के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखा जा रहा है कि जसवा प्रशासन के समझाने के बाद भी लोगों के द्वारा कोरोना गाइडलाइंस का वायलेशन बार बार हो रहा है। बीटीएम के स्थानीय बासिंदा जिनमें कोविड के लक्षण देखे जाने के बाद वेदांता में उनका कोविड टेस्ट हुआ था और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनको होम आइसोलेशन में रखा गया था, लेकिन कंटेनमेंट जोन में होने के बाद भी वो नियम ना मानते हुए पुनः टेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे और उनके परिवार के एक सदस्य भी गाइडलाइंस का ना मानते हुए शॉप खोल रहे थे। पता चलने के बाद ही प्रशासन द्वारा दुकान को सील किया गया और कोविड गाइडलाइंस ना मानने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। बेलपहाड़ के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट श्री चैतन्य कांता की रेल दुर्घटना में जान गई। लखनपुर ब्लॉक अंतर्गत कुमारबंद पंचायत के एक तालाब में फायर डिपार्टमेंट द्वारा अजीत शाह नामक एक व्यक्ति का शव को उद्धार किया गया जो कि पिछले रात से लापता थे। ओडिशा हायर एजुकेशनल सेक्रेटरी ने राज्य के सभी डिग्री कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को नोटिस देते हुए कहा, विजुअल इम्पेयर टीचर्स अपने घर से ही ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, उनको कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। कोरोना महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या वाहनों से संबंधित किसी भी अन्य सेवाओं की वैधता को 24 अगस्त से बढ़ाकर दिसंबर 31 तक कर दिया है। झारसुगड़ा में अब तक कोरोना से पीड़ित होने वाले मरीजों की संख्या पहुंची 831 तक, जिनमें से बीते 24 घंटे में 20 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले, उनमें से होम क्वारंटाइन आफ्टर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के 19 मरीज थे और एक रिपीट केस था। अब तक कुल 538 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं और अभी भी 292 केस एक्टिव हैं। इसके साथ ही साथ कुछ जगहों पर कंटेनमेंट जोन को जारी किया गया, उनमें से तिलनपाली 2, ब्रिजाजनगर, पहाड़ी मंदिर, झारसुड़ा, कंसाड़ीपाड़ा, पूर्णा बस्ती, बुरोमाल रोड, झारसुड़ा, कूड़ेबागा ग्राम पंचायत दलकी, भुलिया टिकरा एल, बहरामाल। उड़ीसा में अब तक कुल कोरोना से पीड़ित होने वाले मरीजों की संख्या पहुंची 80,000 के पार, जिनमें से अभी तक लगभग 57,000 मरीज ठीक भी हो चुके हैं और बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि 419 मरीज अभी तक मारे जा चुके हैं। इंडिया में कोरोना का रफ्तार आसमान छू रहा है। अब तक कुल कोरोना से पीड़ित होने वाले मरीजों की संख्या पहुंची 31 लाख के पार, जिनमें से 23,38,000 मरीज ठीक भी हो चुके हैं और 57,542 मरीज कोरोना से मारे भी गए हैं। नन्ना मेडिसिन स्टोर, फर्नीचर पार्क, मयंक रेस्टोरेंट, फास्ट फूड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे भरेल जसवा के फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल को।